कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार पूरे चरम पर है। सत्तारूढ़ बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं। भाजपा के सामने अपनी सरकार बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव कई मामलों में अहम है। पार्टी हर हाल में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जितना बीजेपी के लिए अहम है, उतना ही कांग्रेस के लिए भी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से हैं। पार्टी को विधानसभा चुनाव से सियासी फायदा मिलने की उम्मीद है। कर्नाटक में चुनाव के दौरान दलित मतदाता काफी अहम भूमिका निभाता है, लेकिन पिछले कुछ मौकों पर वो कांग्रेस से छिटक गया है। राज्य में 19.5% दलित मतदाता है और उनके लिए 36 सीट आरक्षित है, पर वो इससे ज्यादा सीटों पर असर रखते हैं। पिछले चुनाव में दलित मतदाताओं ने भाजपा पर भरोसा जताया, ऐसे में पार्टी को विश्वास है कि खड़गे के जरिए दलित मतदाता चुनाव में कांग्रेस पर भरोसा जताएंगे। कर्नाटक दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद भाजपा ने दक्षिण के दूसरे राज्यों में अपना प्रसार किया है। ऐसे में दक्षिण में भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस को कर्नाटक में जीत हासिल करनी होगी। वहीं हार की स्थिति में पार्टी दक्षिण भारत में हसीये पर चली जाएगी। कर्नाटक के अलावा दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां काफी कमजोर हैं। केरल में पहले ही लगातार दूसरी बार सीपीएम सरकार बनाकर इतिहास रच चुकी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के लिए कोई बड़ी संभावना फिलहाल बनती दिख नहीं रही है। तमिलनाडु में पार्टी कई दशक पहले अपनी जमीन खो चुकी है। कर्नाटक चुनाव के परिणाम का असर इस साल के अंत में होने वाले अन्य विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। अगर कांग्रेस जीत दर्ज करती है तो विपक्षी खेमे में उसका दबदबा बढ़ जाएगा, साथ ही विपक्षी एकता की कोशिशों को भी मजबूती मिलेगी। प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है। पार्टी चुनाव जीतेगी तो नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा कि वो सीधी लड़ाई में भाजपा को हरा सके। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण भी काफी अहम है। कांग्रेस पार्टी के पास अलग अलग जातियों के 3 बड़े चेहरे मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार है। खड़गे अनुसूचित जाति, सिद्धारमैया करोवा और डी के शिव कुमार बोक्कालिगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पार्टी को उम्मीद है कि नेताओं के जरिए वो संबंधित जातियों का भरोसा हासिल कर लेगी। इसके साथ मुस्लिम मतदाता भी आरक्षण खत्म करने से नाराज है और वो कांग्रेस की तरफ आ सकता है। जगदीश सिट्टार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी को लिंगायत वोट भी मिलने की उम्मीद है। कर्नाटक में जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ 14% मतदाता लिंगायत समुदाय से हैं, जो प्रदेश की 80 सीटों पर सीधा प्रभाव रखते हैं। लिंगायत समुदाय चुनाव में कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विधानसभा में लिंगायत समुदाय के 58 विधायक हैं। लिंगायत के बाद बोक्कालिगा समुदाय भी बड़ी मात्रा में है। कर्नाटक में 11% बोक्कालिगा मतदाता हैं, जो प्रदेश की 54 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। विधानसभा में इस समुदाय के 42 विधायक हैं। 7% करवा समुदाय के मतदाता हैं, जो पूरे प्रदेश में फैले हैं। इस समुदाय के 12 विधायक हैं। ओबीसी की बात करें तो कर्नाटक में 16% ओबीसी वोटर हैं, जो करीब 2 दर्जन सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। वहीं 19.5% मतदाता अनुसूचित जाति से आते हैं, जिनका 45 सीटों पर असर देखने को मिल सकता है। अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में 36 सीटें आरक्षित हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के 7% वोटर हैं, जिनका प्रदेश की 20 सीटों पर असर देखने को मिल सकता है। मुस्लिम मतदाता की बात करें तो कर्नाटक में 14% मुस्लिम मतदाता हैं, जो 3 दर्जन सीटों पर असर डाल सकते हैं। फिलहाल कर्नाटक विधानसभा में 7 मुस्लिम विधायक हैं।